पिछले एपिसोड में आपने देखा अनाया अपने भाई को देख करके दौड़ी दौड़ी तालाब के पास जाती है। उसका भाई मछली पकड़ने के लिए जा रहा होता है। अब देखते हैं आगे। अनाया जैसे तालाब के पास पहुंचती है देखती है जॉन द डॉन वहां पे एक बच्चे को लेकर के और पत्थर मरवाता है उसके भाई के ऊपर। तभी मिट्टू उड़ के जाता है और वह पत्थर लेकर के उसी की खोपड़ी पे मार देता है। बच्चा फिर से एक बार निकलता है और फिर से एक पत्थर चला करके मारता है। मिट्टू फिर से जा करके हवा में और पत्थर को कैच कर लेता है और उस बच्चे को मार करके उसका टकला फोड़ देता है। ये एक दो बार प्रयास करता है बच्चा, लेकिन बच्चे को ही चोट लगता है, बार बार उसका टकला फूट जाता है। यह देख के अनाया काफी खुश होती है और तालियां बजाने लगती है। तभी अनाया देखती है कि पापा बाजार करने जा रहे होते हैं। तभी अनाया पीछे पीछे दौड़ने लगती है, पापा के पास जाने लगती है। तभी मोटू आता है और बोलता है, अनाया पत्ता गोभी लौकी और कद्दू लेना, दादी ने बोला है। और यह कहकर मोटू चला जाता है। अनाया रास्ते पे दौड़ी दौड़ी जाती है, आगे देखती है कि दो बच्चे खेल रहे होते हैं। वो दोनों बच्चे से पूछती है कि तुमने पापा को देखा क्या? लड़के ने बोला, नहीं मैंने नहीं देखा। तभी अनाया देखती है कि जमीन पे टायर का निशान है। अनाया टायर का निशान देखते हुए दौड़ने लगती है, आगे जाती है, दौड़ती रहती है। तभी काफी तेज हवाएं चलने लगती है और अंधेरा हो जाता है। अनाया देख के डर जाती है। तभी अनाया देखती है कि सामने ठेले के पास पापा सब्जी लेने के लिए खड़े होते हैं। तभी अनाया दौड़ करके जाती है, बोलती है, पापा पत्ता गोभी लौकी और कद्दू लेने के लिए दादी बोली है। अनाया सबसे पहले पत्ता गोभी को उठाती है और रखती है बैग में। फिर टमाटर बोलते हैं पापा लेने के लिए, अनाया ने मना कर देती है और एक कद्दू लेकर के रख लेती है झोले में। फिर लौकी रख लेती है और कहती है, चलिए पापा मैं भी आपके साथ बैठ के जाऊंगी। पापा बोलते हैं, ठीक है अनाया ठीक से बैठो, लेकिन एकदम दबा के पकड़ के रखना, नहीं तो हम लोग गिर जाएंगे, हवाएं तेज चल रही होती है। अनाया इसी तरह से बैठ के आगे जाती है। तभी पापा का एक्सीडेंट हो जाता है।